ॐ नमसिद्धेभ्यः ॐ नमसिद्धेभ्यः ॐ नमः शुद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानमंत्र जैनम जय शासनम अहिंसा धर्म की महावीर भगवान की स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय <coughs> शिशु का जन्म होता है और जन्म होने के पूर्व में उसका अवसान भी हो चुका है क्योंकि मरण के बिना जन्म संभव नहीं और नवजात शिशु है जिसने पूर्व में मृत्यु का अनुभव किया है उसके पश्चात उसका जन्म हुआ और जन्म होने के पूर्व में जन्म संबंधी भी दुख का संवेदन उसके लिए हो चुका है होने के उपरांत वो सारा सारा दुख विस्मृत हो जाता है इसलिए क्योंकि संवेदन वर्तमान का होता है और अतीत की स्मृति संभव है किंतु अतीत का संवेदन नहीं हो सकता संवेदन हमेशा स्व का होता है और वर्तमान का होता है ज्ञान और संवेदन में बहुत बड़ा अंतर है इस बात को गुरुदेव ने हम लोगों के सामने रखा है ज्ञान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु जैसे आपने कल भोजन में क्या लिया था उसकी स्मृति है आपको किंतु संवेदन स्वाद आपको वर्तमान में नहीं आ रहा है इसलिए बार बार आगमकारों का ये कहना है कि स्वसंवेदन वर्तमान का होता है उस ओर यदि हमारी दृष्टि हमारा यदि उपयोग नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से अतीत की ओर दृष्टि जाएगी और अनागत की आकांक्षा होती है इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा दी है उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है उसको आपके सामने रखते हुए इस विषय के ऊपर चिंतन मनन किया जा सकता है ना भूत की स्मृति आप ध्यान दें नाभूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषदीकते हैं वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं क्या भाव है इसमें ज्ञानी कौन हैं जिन्हें विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी ग्रहण करने का भाव नहीं है विषय उपलब्ध नहीं है इसके उपरांत भी आकांक्षा संसारी प्राणी की बनी रहती है किंतु पुण्य कर्म के उदय में संपदा वैभव मिलने के उपरांत भी ग्रहण का भाव किंचित मात्र भी मन में नहीं आता उनको ज्ञानी ऐसी संज्ञा दी है अविरत अवस्था में अर्थात असयम की भूमिका में सम्यक दर्शन रह सकता है रहता है इसमें कोई संदेह नहीं और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान के रूप में ही विद्यमान है किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में कुंद कुंद स्वामी ने उसको सम्यक ज्ञानी अथवा ज्ञानी संज्ञा दी है जिन्हें पंचेंद्र के विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है बहुत सूक्ष्म विषय है कि महाराज आप जब कभी भी प्रवचन अधिक देने के लिए बैठ जाते हैं तत्व चर्चा अधिक करते हैं तो आप हमेशा अध्यात्म की बात करते हैं हमारे लिए भी तो कुछ बात करो श्रावकों के कल्याण की बात भी आपको करनी चाहिए कर रहा हूं मैं इसलिए श्रमण को सामने रखता हूँ और कुंद कुंद देव भी श्रमण के लिए उद्देश्य बना करके उपदेश देते हैं उससे तुलना करने के लिए आप लोगों को अवसर मिल सकता है हाँ स्वसंवेदन ये बात आध्यात्म ग्रंथों में कदम कदम पर सुनने को मिलती है पढ़ने को मिलती है संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं है चाहे वह निगोदिया जीव हो चाहे वह सिद्ध परमिष्टि के रूप में जीव हो जीव हमेशा संवेदन से सहित होता है चैतन्य गुण से संपन्न होता है उसी का नाम जीव कहा चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो संवेदन प्रत्येक जीव को अपना संवेदन होता है महाराज शिष्य ने प्रश्न किया महाराज आपने स्व की बात तो की है किंतु प्रत्येक प्रसंग में आपने स्व के साथ एक विशेषण क्यों बार बार जोड़ते हैं कौन सा विशेषण मात्र स्वसंवेदन नहीं वीतराग स्व स्वसंवेदन स्व का अपना संवेदन किन्तु उसके साथ साथ वीतराग यह जो विशेषण दिया है इससे स्पष्ट है कि सराग स्वसंवेदन भी होता है और वह सराग स्वसंवेदन कहाँ तक होता है इसके बारे में चर्चा की जा रही है भले ही आपके लिए यह विषय कठिन हो सकता है शब्दों के सरल शब्दों के माध्यम से इस विषय को इसलिए रखना अपेक्षित है क्योंकि जो स्वाध्यायशील भी हैं उनके लिए भी यह विषय गुरुदेव के द्वारा ही दिया जा रहा है और गुरुदेव आपके लिए भी इस विषय को रख रहे हैं और हमारे लिए भी विषय रख रहे हैं हम लोग सब मिल कर के गुरुदेव के अनुभव और उनकी वाणी को सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए तो स्व संवेदन वह सराग स्व संवेदन भी होता है और वीतराग स्व संवेदन भी होता है तो कुंद कुंद देव ने वीतराग स्व संवेदन की बात कही है वह किसको होता है ज्ञानी को होता है तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान समीचीन रूप में परिणमन करता है इसके बावजूद भी जब तक राग की भूमिका में रहता है जीव तब तक उसको वीतरागता का संवेदन संभव नहीं है इसलिए राग की भूमिका सम्यक दर्शन के साथ भी बनी रहती है और वो कहाँ तक बनी रहती है आप घबराओ नहीं आप लोगों के लाइन में श्रमण भी आ सकते हैं जल्दी नहीं करो यह कैसी बात महाराज क्योंकि राग को लेकर के यहां पर प्रसंग रखा जा रहा है जिसको सराग स्वसंवेदन बोलते हैं और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत असयम अवस्था में भी सराग स्व संवेदन है और अनुवृत दशा में भी सराग स्व संवेदन है और श्रमण की भूमिका में भी जब तक ध्यान अवस्था नहीं रहती तब तक वो सराग स्व संवेदन के अधिकारी है ऐसा कुंदुत कुंदेव का कहना है गणधर परमिष्टि को हम लेते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पद है केवल ज्ञान के होने के पूर्व में वह गणधर परमिष्टि का पद आता है आप सोचिए कुंद कुंद का ये कहना है गणधर परमिष्टि भी क्यों न हो किंतु जब तक समोसरण में विराजमान रहते हैं और प्रभु की दिव्य ध्वनि खीर रही है और दिव्य ध्वनि का आलमन लेकर के द्वादशांग की रचना आगम की रचना वो करते हैं और साक्षात प्रभु की वंदना कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं गुणानवाद स्तुति आदि कर रहे हैं